बिहार में अभ्यर्थियों की बदहाल व्यवस्था यह बताने के लिए काफी है कि हजारीबाग में क्या कुछ चल रहा है। धरना स्थल है जहाँ पर किसान मांग को लेकर धरना देना चाहिए, अभ्यर्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए और ये लगातार अब सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए। आखिर यहाँ पर ये हमारी मांगे पूरी करो, ये इतनी मांगे कौन सी मांग है? हमारा मांग बिल्कुल संवैधानिक है और हमारा मांग एक ही है कि # कंडक्ट वोटेड बिफोर 7, मतलब ये है कि जो बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती होनी जा रही है उससे पहले जो संवैधानिक मांग है बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वो करवाई जाए और जो उसमें कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनको 7th प्राइमरी लेवल का जब हायरिंग होगा, जब सिलेक्शन होगा टीचर के, उनको उसमें मौका मिले। शिक्षक की कितनी बहालियाँ ऐसे ही रिक्त पड़ी हुई है? फिलहाल अभी आप SGT का देख रहे हैं, 17 चरण की नियोजन प्रक्रिया को लेकर अभी प्रदर्शन हो रहा है और आप एक BTT आप कराने की मांग कर रहे हैं। लगता है सरकार संविधान पर चली, संवैधानिक तौर पर चली तो बिल्कुल कराएगी, अन्य अगर तालिबानी सरकार चलेगी तब नहीं कराएगी। अभी तक क्या लग रहा है? अभी तक तो तालिबान ही लग रहा है। तो अभी इसको लेकर के अपनी मांगों को लेकर किन किन लोगों से मुलाकात हुई? हमने माननीय शिक्षा मंत्री उनसे मिला है और हमारे जो सर थे अपर मुख्य सचिव सर से मिले और वर्तमान जो दीपक सर हैं अपर मुख्य सचिव उनसे मिले, डायरेक्टर जो दीपक सर उनसे मिले, हर जगह से बस आश्वासन मिला, ठीक है सोचते हैं देखते हैं कर रहे हैं करेंगे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। कल रात फाइनली जो हमारा हाईकोर्ट का जजमेंट था उसके अगेंस्ट में जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट को ये प्रेजेंटेशन दिया था बीटेट के लिए, बिहार कोर्ट ने जो अपर मुख्य सचिव और हमारे वकील साहब को जो रिटेन में जवाब दिया वो जवाब पॉजिटिव था। क्या दिया गया था रिटर्न में? रिटर्न हाई कोर्ट ने बोला था कि आप हमारे अंतर्गत हमारे देखरेख में आप जो है शिक्षा विभाग को प्रेजेंटेशन दीजिए बीटेट के लिए। हमारे वकील साहब पटिशनर ने प्रेजेंटेशन दिया और जब प्रेजेंटेशन दिया तो एक अवधि के बाद बिहार बोर्ड की रिक्वेस्ट तो बिहार बोर्ड में था, बिहार बोर्ड ने हमारे एक पेपर नोटिस रिलीज किया अपर मुख्य सचिव और हमारे वकील साहब, उन्होंने मतलब वो लेटर का निष्कर्ष यही था हाँ हम बिहार टेप लेने के सक्षम है, हम ले सकते हैं, हम लेंगे, पर आपका जो ऊपर में हमारे जो हमारे हेड है वो हमें परेशान है कि आप बिहार टेट कंडक्ट कर रही है। लेकिन सर कल शाम में सडनली रात को 11 बजे हद है सर हमारा वहाँ को प्रोटेस्ट कर रहा, अमेरिका को जल छोड़ देगा पीछे, रात में 11 बजे हमारे वकील काम करते हैं। कल आज मुझे पता है कि आज हम लोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, कल रात में 11 बजे का लेटर रिलीज करते हैं कि नहीं टिकट नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन फेल होता है। तो फिर अदालत में जो कहा था उसका अदालत का जो फैसला था वो सरकार का अधीन था, तो कल रात में रवि प्रकाश जी द्वारा लेटर जारी करके कहा गया कि बीटेट का आयोजन नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अगर हम मेरा कहना ये है कि अगर आप लोग बीएड और डीएड का कोर्स हर एक साल प्रत्येक वर्ष करा रहे हैं, प्रत्येक साल लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन संख्याएँ बढ़ती जा रही है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है और ना ही बिहार द्वारा कोई भी पात्रता परीक्षा कराई जा रही है। 2017 से पहले 2017 में बीटेट का आयोजन हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई भी आयोजन नहीं हुआ, इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द बीटेट का आयोजन कराया जाए। सर मेरा इस बात पर ये कहना है कि अगर बीटेट का आयोजन नहीं होगा तो अगर बीपीएससी का भी फिर तो आयोजन नहीं करना चाहिए, यूपीएससी से हमारा हो जाएगा काम, अगर सीटेट का आयोजन से हमारा काम हो जाता है तो तब ना बीटेट का, ये बोल रहे हैं आप तो बीट सरकार का बिहार सरकार की जरूरत क्या है? मतलब आपका कहना है कि हम यूपीएससी से ऑफिसर ले लें, बीपीएससी की जरूरत? ये जो आपने बोला है सर और भी जो पात्रता परीक्षा है सर यूपी में भी होता है, MP में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, फिर क्यों वहाँ पर एक साल वहाँ का जो वहाँ का टेट लिया जाता है? राजस्थान टेट हुआ है, यूपी टेट हुआ है, MP टेट हुआ और एक चौथा कोई और स्टेट वो भी अपना टेट ले रही है, ठीक है, जब वो ले सकती है तो बिहार क्यों नहीं? और जहाँ तक बात रही सीटेट की, सीटेट वाले भाइयों को ये बोल देना चाहता हूँ, सीटेट वाले भाई आपको केंद्रीय विद्यालय के लिए जाना चाहिए, आप हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट, हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग लोअर क्वालिफाइड है, हम लोग पीटेट ही, हम सीधी बात हम बिहार के वासी हैं, हम पीटेट ही देंगे, हम बिहार के वासी हैं, हम पीटेट ही देंगे, हम पीटेट ही क्वालिफाई करेंगे अपने बिहार विद्यालय में अपना क्षेत्रीय भाषा को लेकर। ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है पिछले साल, जब तक चलेगा, वो 1 दिन में मान जाए या 1 महीना माने या 2 महीना माने, या सरकार को या आप सरकार को पढ़ाई लिखाई छोड़ कर आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे सर? पढ़ लिखे बड़े जब तो बेरोजगारी है ना, वैसे भी तो बेरोजगारी है, वैसे तो धरने स्थल पे बैठ के बेरोजगार रहते हैं। हाँ। वैसे भी 7th चरण के बाद 5 से 8 साल बाद वैकेंसी आएगी, हम लोग वैसे भी बेरोजगार, हम लोग 1.5 लाख रुपया लगा के BEd DEd किए हैं, वो सब 5 दुकान पे लटकाने के लिए रह जाएगा, मतलब उसको संदूक में बंद करने लायक हो जाएगा,
2017 में बीटेट आयोजन करवाई, 19 में बहाली ली, उससे पहले भी टीचर की बहाली आई थी, पहले बीटेट करवाई थी उसके बाद बहाली हुई, तो 22 में ऐसा क्यों नहीं, पहले बीटेट होना चाहिए उसके बाद जो है सातवां चरण होना चाहिए। जितने भी 4 लाख हम लोग 4 लाख कैंडिडेट हैं, मतलब 4 लाख कैंडिडेट हैं, 4 लाख कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला, मौका मिलेगा तब ना हम लोग फाइट करेंगे। हम लोग को एक बार बैठने का मौका नहीं मिला, डिग्री देके घर भेज दिया। हाँ, डिग्री देके घर भेज दिया, डिग्री पैसा लिया, डिग्री दिया, घर भेज दिया। डिग्री हम लोग रेगुलर क्लास किए हुए, हम लोग का कोविड की वजह से सेशन लेट था, तो कोविड सब जगह था, कोविड की वजह से हम लोग का सेशन लेट था, तो हम लोग जो सीटेट में नहीं बैठ पाए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, बैठने का मौका ही नहीं मिला। बैठने का मौका मिलेगा तब ना हम लोग लायक होंगे, बैठने का मौका ही नहीं मिला तो हम लोग कैसे लायक होंगे। क्या पढ़े क्या पढ़ाए, खुद ही में खुद रह गए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षकों की कमी बिहार में भारी कमी है, और उसके बावजूद भी लगातार जो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है उसको लेकर के सरकार टालमटोल करती रही है। अब ऐसे में क्या बिहार TET आयोजित करवाएगी, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन की बात अगर की जाए तो मुलाजिमों की तरफ से पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अभी कोई BTET की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत उनको नहीं लग रही है तो फिर आयोजित कैसे हो पाएगी। जो कुछ भी होगा आगे अपडेट बताते रहेंगे, फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।